स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PC Learn XYZ हिंदी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए से लेके जेड तक की जो हमारी सारी शॉर्टकट कीज होती हैं उनके बारे में, और उनका लाइव प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी शॉर्टकट के साथ ही कंट्रोल ए, कंट्रोल ए का यूज होता है दोस्तों ऑल सेलेक्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो हमारा डाटा ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी शॉर्टकट की से हमारी कंट्रोल सी, कंट्रोल सी का यूज होता है डाटा को कॉपी करने के लिए। कोई भी शॉर्टकट कीज को हमें अप्लाई करने से पहले उस डाटा को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी करेंगे तो ये हमारा डाटा कॉपी हो गया। ठीक है, कॉपी डाटा को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज होती है हमारे यहाँ पे कंट्रोल वी। कंट्रोल वी से क्या होगा, यहाँ पे जो डाटा हमने कॉपी किया है उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा डाटा यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे डाटा को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारी नीचे शॉर्टकट की साथ ही कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स का दोस्तों क्या होता है मैं एक बार बता देता हूँ। कंट्रोल सी और कंट्रोल एक्स में डिफरेंट बता देता हूँ आपको। कंट्रोल सी करता है डाटा को कॉपी, ठीक है, डाटा हमारा ऊपर भी रहेगा और दूसरी जगह पर यहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ पर भी सेम डाटा रहेगा। लेकिन कंट्रोल एक्स क्या करता है, डाटा को कट कर लेता है, यानी डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर रहेगा, डाटा को कट कर लेता है। मतलब यहाँ पर डाटा अगर यहाँ से हमने कंट्रोल एक्स प्रेस किया तो यहाँ से डाटा कट हो जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी क्या करता है, डाटा को कॉपी करता है, दूसरी जगह पर पेस्ट कर देता है, डाटा यहाँ पर भी रहेगा, डाटा दूसरी जगह पर भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं कंट्रोल बी। कंट्रोल बी का यूज होता है दोस्तों डाटा को बोल्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा ये डाटा ऑलरेडी बोल्ट है शायद। ठीक है, अभी हमारा ये डाटा बोल्ट नहीं है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा डाटा मोटा हो गया, यानी बोल्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमारी शॉर्टकट की साथ ही यहाँ पे कंट्रोल आई, कंट्रोल आई का यूज़ करते हैं दोस्तों डाटा को इटैलिक करने के लिए। जैसे हमने डाटा यहाँ पर है तो इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो ये हमारा तिरछा हो जाएगा, दिख रहा होगा, तो यानी इटैलिक हो गया ये। कंट्रोल आई का यूज होता है इटैलिक के लिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमारी शॉर्टकट की साथ ही एक नीचे दिख रही होगी कंट्रोल यू, कंट्रोल यू का यूज़ होता है दोस्तों अंडरलाइन डालने के लिए। ये डाटा या जैसे हमारा यहाँ पर है तो इसके नीचे अंडरलाइन डालने के लिए कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आती है हमारी कंट्रोल डी, कंट्रोल डी का यूज होता है दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल डी का यूज होता है फॉन्ट स्टाइल के लिए। जैसे कि हमारा ये डाटा है, ठीक है, इसको हमें फॉन्ट स्टाइल इसकी चेंज करनी, तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमने कोई भी फॉन्ट ले लिया, ये फॉन्ट ले लिया, ठीक है, या टाइम्स न्यू रोमन ले लेते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, ये हमने एक फॉन्ट ले लिया, फॉन्ट है एक ये। अब इसको बोल्ट और इटैलिक कर लिया, यहाँ से इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लिया। एक ही बार में हम फॉन्ट भी ले सकते हैं, फॉन्ट की जो बोल्ट इटैलिक है वो भी कर सकते हैं, और यहाँ से इसका साइज भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ाया कम कर सकते हैं, तो यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए इसका साइज थोड़ा बढ़ गया और इसका जो फॉन्ट है वो टाइम्स न्यू रोमन आ गया और थोड़ा ये इटैलिक हो गया। ठीक है, तो फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए कंट्रोल डी का प्रेस, डी यूज करते हैं। ठीक है, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल डी, उससे फॉन्ट स्टाइल के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हमारा यहाँ पे आता है एक कंट्रोल ई, कंट्रोल ई का यूज होता है अलाइन टेक्स्ट टू द सेंटर, यानी डाटा को बीच से लिखना स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं कंट्रोल ई। जैसे यहाँ पर है, ठीक है, ये डाटा अभी दिख रहा होगा आपको लेफ्ट साइड से लिखा हुआ दिख रहा है, जैसे ऑफ लिखा है, ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट है। लेकिन यही डाटा, जैसे हम मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों, ये डाटा मैंने हटा दिया। ठीक है, अभी यहाँ से मैं लिख रहा हूँ तो ये लेफ्ट साइड से लिख रहा है। ठीक है, अभी हम अब यहाँ पर करता हूँ मैं कंट्रोल ई, तो कंट्रोल ई अलाइन टेक्स्ट इन टू द सेंटर, देखिए बीच से लिखना स्टार्ट कर दिया इसने। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल ई का यूज होता है अलाइन टेक्स्ट इन टू द सेंटर, यानी बीच से लिखना स्टार्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आता है हमारा कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ का यूज होता है यानी फाइंड करने के लिए, फाइंड टेस्ट। जैसे कि हमारा ये एक डाटा है, ठीक है, ये टेस्ट लिखा है हमारा, तो इसमें से कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू या वर्ड सर्च करने के लिए, फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ का यूज करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा द कहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो हम कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे यहाँ पे द। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा द लिखा होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको,
जहाँ जहाँ पे हमारा दा लिखा है वहाँ पे हमने कंट्रोल एफ प्रेस किया और यहाँ पे दा लिखा और वहाँ पे वो हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो यानी टेस्ट फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारी एक शॉर्टकट की आती है अब गो टू। गो टू का यूज़ होता है दोस्तों, जैसे कि हमारा ये डाटा है, ठीक है, इस डाटा में से हमें किसी पैराग्राफ पे या फिर किसी पेज पे जाने के लिए गो टू का यूज़ करते हैं। एक बार करके देख लें देते हैं। यहाँ पे हमने प्रेस किया कंट्रोल जी, कंट्रोल जी प्रेस करते ही हम लाइन पे क्लिक करते हैं। लाइन पे हमें जैसे कि हमें जाना है यहाँ से दूसरी लाइन पर डायरेक्टली, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, हमें जैसे पहली लाइन तो ये रही हमारी, दूसरी ये रही, इस पे जाना है डायरेक्टली, तो इस पे ओके कर देंगे गो टू। तो देखिए हम दूसरी लाइन पे आ गए। ठीक है, या अगर यहाँ पे हम थ्री प्रेस कर देंगे, थ्री गो टू, तो तीसरी लाइन पे पहुँच जाएंगे। दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा हमारा जो कर्सर है ये टिमटिमा रहा है, ये तीसरी लाइन पे आ गया है। ठीक है, गो टू का यूज होता है, मतलब कंट्रोल जी का यूज होता है गो टू करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आती है हमारी अगली शॉर्टकट की कंट्रोल एच। कंट्रोल एच का यूज होता है दोस्तों रिप्लेस के लिए। अब रिप्लेस का मतलब समझ लीजिए, जैसे हमारा ये डाटा है, ठीक है, यहाँ पे हमें इस डाटा में से किसी भी पहले सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, बता चुका हूँ मैं, किसी भी जैसे कि हमारे यहाँ पे ऑफ लिखा है या फिर दा लिखा है, ठीक है, दा की जगह हमें एम करना है। ठीक है, मान के चलिए एम या फिर सॉरी यहाँ पे टेब है, ठीक है, टैब लिखा है, यहाँ पे इस जगह पे हमें टू करना है। ठीक है, तो कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा टैब लिखा है यहाँ पे लिखेंगे पहले टैब, ये बी टैब लिखा, और इस जगह टैब की जगह पे हमें टू करना है तो यहाँ पे लिखेंगे टू। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पे हमारा ये देखिए टैब लिखा है यहाँ पे, इस जगह पे जहाँ जहाँ हमारा टैब लिखा होगा पूरे डाटा में, उस जगह पे हमारा टू हो जाएगा। रिप्लेस और करेंगे, सब में करना है हमें। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे देखिए इस जगह पे देखिए, इस जगह में सिलेक्ट कर रहा है यहाँ पर टैब लिखा था, यहाँ पर टू हो गया, यानी रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल एच प्रेस करेंगे। तो यानी कंट्रोल एच से होता है रिप्लेस, कोई भी वर्ड लिखा है उसकी जगह पर कोई दूसरा वर्ड डालने के लिए कंट्रोल एच प्रेस करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। कंट्रोल जी, कंट्रोल जी का यूज होता है दोस्तों जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब मैं बताता हूँ आपको, जैसे हमारा ये डाटा लिखा है, ठीक है, ये डाटा इस पेज पर, ये डाटा ये अभी क्या दिख रहा है, पहली लाइन यहाँ पे दिख रही है, दूसरी लाइन थोड़ी सी आगे है, तीसरी लाइन उससे भी आगे, चौथी लाइन उससे कम है। ठीक है, तो कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये एक लाइन में सब आ जाएंगे, यानी जस्टिफाई हो गए एक लाइन में आ जाएंगे। देखिए ये ऊपर वाले एक लाइन में आ गए और नीचे वाला यानी ये टेस्ट पहले भद्दा दिख रहा था, आपने देखा होगा, बैक करते हूँ एक बार, अभी ऐसा दिख रहा है, गंदा बहुत दिख रहा है, लेकिन जस्टिफाई एक लाइन में आ जाएगा, अच्छा दिखेगा। कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपने आप में स्पेस ले लेगा और एक अच्छा डाटा आपको शो कराएगा। ठीक है दोस्तों, इसका यूज होता है कंट्रोल जे, ठीक है, जस्टिफाई। कंट्रोल के का यूज होता है दोस्तों हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब मैं बताता हूँ, जैसे आपकी कोई वेबसाइट है या फिर आपका कोई चैनल है या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है, उसकी यहाँ पे एक लिंक डालने के लिए कंट्रोल के का यूज़ करते हैं, यानी हाइपरलिंक को डालने के लिए। अभी हमारा डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, इसमें हमें एक लिंक डालनी है, तो किसी हम अपने वर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी लिंक डालनी हो चाहे कुछ भी हो, कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो हाँ हमारे जहाँ पर भी कोई डाटा डला हो उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी ऑटोमेटिक एक लिंक बन जाएगी। ठीक है, वो यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये हाइपरलिंक डल गई। ठीक है दोस्तों, लिंक डालने के लिए, हाइपरलिंक डालने के लिए कंट्रोल के का यूज़ करते हैं, कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो वहाँ से हम अपनी लिंक डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारी आती है कंट्रोल एल। एल का मतलब क्या होता है दोस्तों, अलाइन टेस्ट राइट साइड, यानी सॉरी सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड, ठीक है, अलाइन टेस्ट लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब मैं समझाता हूँ, जो हमारा जो डाटा अभी लेफ्ट साइड से ही लिखना टाइप हुआ है, जो हमारा ये लेफ्ट साइड है ना, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, ये हो गई राइट साइड, ये हो गया सेंटर, तो अभी ये फिलहाल में लेफ्ट साइड से ही है। जैसे कि हम कंट्रोल एल प्रेस, जैसे कंट्रोल ई प्रेस कर देता हूँ, ये हमारा बीच में अभी हमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो हमारी लेफ्ट साइड में हो गया डाटा। ठीक है दोस्तों, एक शॉर्टकट की इसके साथ साथ ही बता देता हूँ, कंट्रोल आर। कंट्रोल आर होती है, देखिए इसमें हो गई हमारे नीचे यहाँ पर कंट्रोल आर, अलाइन टेक्स्ट राइट साइड, मतलब अभी जो लेफ्ट साइड से हो गया ये डाटा, अभी लेफ्ट साइड से मैंने बताया,
ई का मतलब बताया बीच से, और यानी आर का मतलब राइट साइड, यानी इस साइड। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये राइट साइड से टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इस साइड से ये इधर को चलने लगा, ठीक है दोस्तों। अलाइन टेस्ट राइट साइड, ठीक है दोस्तों। तो आगे की हमारी ये मैंने ये बता दी, तो हम अपने वापस वहीं पे पहुंचते हैं। कंट्रोल एम, कंट्रोल एम का यूज़ होता है दोस्तों इंडेंट पैराग्राफ। इंडेंट पैराग्राफ का मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। ये हमारा डाटा है, ठीक है। आपने देखा होगा अखबार वगैरह पढ़ा होगा, तो उसमें पहले एक तस्वीर लगी होती है किसी की भी हो, ठीक है। उसके बाद टेस्ट लिखना स्टार्ट होता है, उसके नीचे भी टेस्ट होता है। तो यहाँ पे उसी टाइप का यहाँ पे एक एक इमेज के लिए यहाँ पे पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है। तो कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कोई इमेज डालने के लिए वो मतलब जो राइट साइड में खिसकना स्टार्ट हो जाएगा हमारा। देखिए कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो ये इमेज डालने के लिए इसने स्पेस छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब होता है इंडेंट पैराग्राफ कंट्रोल एम प्रेस करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल एन, कंट्रोल एन, कंट्रोल एन का यूज़ होता है दोस्तों यानी न्यू पेज के लिए। जैसे कि हमारा यहाँ पे एक पेज ये है, ठीक है। यहाँ से हमें चाहते हैं हमको न्यू पेज पे हम टाइप करना चाहते हैं, तो कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे न्यू पेज आ गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ का होता है ओपन ऑप्शन। जैसे कि मानिए अभी हम इस फाइल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। हमें कोई दूसरी फाइल लेनी है अपनी जो हमारी ऑलरेडी सेव है, तो उसको ओपन ऑप्शन के जरिए कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, ठीक है। तो हमारी जहाँ पर भी फाइल सेव होगी वहाँ से उस फाइल को ओपन कर लेंगे। जैसे हमारे एक यहाँ पे फाइल सेव कर रखी है अपनी, ठीक है। ओपन करेंगे, ओपन ऑप्शन के लिए जैसे ये देखिए यहाँ पे एक नई फाइल ये खुल के आ गई, ठीक है। तो ओपन ऑप्शन के लिए कंट्रोल ओ का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। कंट्रोल पी का यूज़ तो आपको सबको पता ही होगा, बता देता हूँ फ्री। कंट्रोल पी का होता है प्रिंट करने के लिए। जैसे कंट्रोल के साथ पी प्रेस करेंगे तो ये प्रिंट करने के लिए आ जाएगा। कोई भी अपना प्रिंटर है वो सिलेक्ट कीजिए, पेज सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन आता है, कंट्रोल पी से प्रिंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमारा यहाँ पे आता है नीचे कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू का मतलब होता है क्लियर इंडेंट। जैसे कि अभी मैंने कंट्रोल एम से यहाँ पे कंट्रोल एम से जो पैराग्राफ दिया था दोस्तों, कंट्रोल एम से जो पैराग्राफ दिया था इंडेंट पैराग्राफ, तो उसको क्लियर करने के लिए जैसे कि पहले जैसी सेम में था उस सेम में पहुंचने के लिए कंट्रोल क्यू का यूज करेंगे तो क्लियर इंडेंट पैराग्राफ हो जाएगा इससे, ठीक है दोस्तों। कंट्रोल एम और कंट्रोल यू एक ही चीज़ के लिए होते हैं। कंट्रोल एम का मतलब होता है इंडेंट पैराग्राफ और कंट्रोल क्यू उसको क्लियर करने के लिए, ठीक है दोस्तों। कंट्रोल क्यू क्लियर इंडेंट पैराग्राफ, ठीक है। कंट्रोल आर का मतलब अभी मैं बता चुका हूँ। कंट्रोल ई से सेंटर में, कंट्रोल जो एल है उससे लेफ्ट साइड में, कंट्रोल आर से अलाइन राइट साइड टेस्ट, ठीक है। कंट्रोल एक्स का यूज होता है दोस्तों। ये डॉक्यूमेंट्स हमने अपना टाइप कर लिया, ठीक है। इसको डाटा टाइप करने के बाद सेव करने के लिए कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, ठीक है। तो हमें जहाँ पर भी अपना ई ड्राइव या डी ड्राइव या सी ड्राइव किसी में भी सेव करना है इसको, तो इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना फाइल का नाम दे देंगे कोई सा भी, ठीक है। कोई सा भी फाइल का नाम दे देंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव करने के लिए कंट्रोल एस का यूज़ करते हैं, सेव डॉक्यूमेंट्स के लिए कंट्रोल एस। और यहाँ पे कंट्रोल टी, हैंगिंग इंडेंट। इसका दोस्तों यूज आमतौर पर उसमें जो पावर पॉइंट है उसमें होता है, इसमें तो खास नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब हैंगिंग इंडेंट, यानी जैसे हमारा ये डाटा है, ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट किया। हैंगिंग इंडेंट यानी जो हमारी पहली लाइन है वो तो वहीं उसी जगह पर रहेगी, लेकिन जो बाकी लाइन है वो खिसकना स्टार्ट हो जाएंगी। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, देखिए पहली लाइन तो वहीं पर है लेकिन हैंगिंग इंडेंट ये और बाकी लाइन है वो खिसकना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। इसका ज़्यादा यूज नहीं होता फिर भी सीख लीजिए हैंगिंग इंडेंट। अब यहाँ यहाँ पे आती है हमारी कंट्रोल डब्लू। कंट्रोल डब्लू का यूज होता है क्लोज डॉक्यूमेंट। जैसे अभी हमारी ये फाइल खुली है, ठीक है, इसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्लू प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से क्लोज हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हमारी जो फाइल है वो हमारी क्लोज हो गई। तो हम यहाँ पर कोई डाटा दूसरा ले लेते हैं, वो क्लोज हो गया हमारा डाटा, ठीक है। इसको इधर सेट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यानी क्लोज डॉक्यूमेंट्स के लिए कंट्रोल डब्लू।
अब हमारे यहाँ पे आती है कंट्रोल बाई। कंट्रोल बाई का यूज करते हैं रिडू और अंडू, इसका मतलब समझ लीजिए, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है ठीक है हमारा, कंट्रोल बाई यानी रिडू, कंट्रोल जेड अंडू। जैसे कि इसको हम बड़ा कर लेते हैं ठीक है दोस्तों थोड़ा। अब यहाँ पे जैसे हमारा ये डाटा है ठीक है, इसको हम डिलीट करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ठीक है। अभी हम यहाँ पे लिख, ये हमारा डाटा है ठीक है, अभी हमने इसको डिलीट कर दिया, जैसे हमने यहाँ से इसको बैक स्पेस से हटा दिया ठीक है। अब हमें ये लगा कि ये डाटा हमारा सही था, हमने गलत हटा दिया इसको को, तो कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो ये डाटा हमारा वापस आ जाएगा ठीक है। अब हमें फिर से लगा कि हमने मतलब जो डाटा डिलीट किया था वो सही डिलीट किया था, इसको वापस नहीं लाना चाहिए था, तो कंट्रोल बाई प्रेस करेंगे तो ये वापस से हट जाएगा। समझ में आया इसका मतलब? जैसे कि हमने ये डाटा, जैसे कोई डाटा है इसको हमने डिलीट किया, इसको डिलीट वाले को वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे और हमें ये लगा ये डाटा सही हमने हटाया था, इसको वापस नहीं लाना चाहिए था, तो इसको बाई प्रेस करेंगे तो ये फिर से हट जाएगा ठीक है दोस्तों। ये होता है ए से लेके जेड तक की जो सारी शॉर्टकट कीज हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं ठीक है, उनका लाइव प्रैक्टिकल भी करके बताया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और तब तक के लिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।